हाय गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। हेलो मॉमीज, वेलकम। हम लोग जो है आज थोड़े से प्लांट जो है वो मतलब हम लोग खरीदने जा रहे हैं। स्वतंत्र जो है वो गए हुए हैं अभी प्लांट्स लेने के लिए, तो मैंने सोचा मैं आप लोग के साथ शेयर करती थी कौन कौन से प्लांट जो है वो हम लोग इंडोर के लिए लगाने वाले हैं और कौन कौन से हम लोग बाहर के लिए लगाने वाले हैं। काफ़ी दिनों से मुझे बहुत ज़्यादा वो लग रहा था कि प्लांट लाएँ, मुझे बहुत मन कर रहा था, क्योंकि एक जो ग्रीनरी होती है ना घर के अंदर या घर के बाहर आपकी बालकनी वगैरह में, उससे बहुत ही मतलब एक पॉजिटिविटी आती है। आप लोग भी लगा सकते हैं और जो है ना इसे डेकोरेशन जो है बहुत ही सस्ती चीज़ में आप सस्ते है उसमें आप आराम से डेकोरेट भी कर सकते हैं अपने घर को और बड़ा सुंदर दिखाई देता है जब हम सारी ग्रीनरी जो है अपने घर में ऐड करते हैं। तो चलिए आज की वीडियो जो है यहीं से शुरू होती है। शुरू करने से पहले मैं आपसे एक रिक्वेस्ट करना चाहूंगी कि अगर आप मेरे चैनल पे नए हैं तो प्लीज मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। बालकनी में जो है हम लोगों ने गमले जो है रख दिए हैं, और अगर आपने मेरे होम टूर देखा होगा तो पहले मेरी बालकनी पूरी खाली थी और कुछ तो हम लोगों ने अभी मतलब गमले जो है बस डायरेक्ट रख दिए हैं लाके। अभी पूरा हम लोगों ने जो है पॉट वगैरह अभी नहीं लाए हैं तो इसलिए ऐसे ही बस अभी रख दिया है, और अभी हम लोग को पॉट लाने हैं, गमले लाने हैं और कुछ आ भी गए हैं नीचे जैसे ये रखे हुए हैं मिट्टी के गमले। तो हम लोग मिट्टी के गमले जो हैं वो बाहर रखने वाले हैं और प्लास्टिक के जो हैं वो इंडोर के लिए इस्तेमाल करने वाले हैं, क्योंकि जैसे अगर हम मिट्टी के अंदर रखेंगे तो वो ज़्यादा अच्छे नहीं लगते, तो अंदर हम लोग ने प्लास्टिक के यूज़ करेंगे। और देखिए मैंने जैसे ये अरेका प्लांट है इसके ऊपर मैं लाइट का यूज़ करने वाली हूँ, मुझे लाइट बहुत पसंद आती है, और ये सोफ़ा के दोनों कॉर्नर पे रखे हुए हैं। और ये सारे प्लांट्स हैं जो हम लोगों ने इंडोर में लगाए हुए हैं, आगे मैं इनका ढंग से आपको व्यू दिखा दूंगी। तो अभी जो है चलते हैं बालकनी की ओर और अभी स्वतंत्र जो है वो पौधे जो हैं कुछ लगा भी रहे हैं, क्योंकि कुछ मिट्टी के पॉट ले आए हैं तो उसमें सोचा कि कुछ लगा दिया जाए, और मिट्टी जो है हमें वो भी ख़रीदनी पड़ी क्योंकि यहाँ पे मिट्टी ढंग से जो पौधों के हिसाब की होती है वो मिट्टी हमें ख़रीदनी ही पड़ेगी और फर्टिलाइज़र वगैरह। और पौधों की बात से मुझे एक बात जो है वो आप लोगों से बहुत ज़रूरी बोली है, मैं सभी तक पहुंचाना चाहती हूँ जो भी मेरी वीडियो ये देखेंगे, मैं उन तक ये एक रिक्वेस्ट करना चाहती हूँ कि हमारे इंडिया में पानी की बहुत कमी होती जा रही है, धीरे धीरे आने वाली जनरेशन के लिए बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम हो जाएगी, ये वो प्रॉब्लम ना हो तो प्लीज़ पेड़ों को काटने से रोकें, पेड़ों को हो सके जितना हो सके लगाएँ। अगर आपको लगता है कि थोड़ी सी भी मैंने बात जो है वो सही रखी है, क्योंकि पानी अगर ख़त्म हो गया तो हमें भी पता है कि कितनी मुसीबत आने वाली है आने वाली जनरेशन के लिए, तो प्लीज़ ये वीडियो जितना हो सके शेयर कीजिए, लोगों तक पहुँचाइए। भी नर्सरी से लेके आए तो उन्हें बहुत ध्यान से लगाना पड़ता है, क्योंकि उनकी हमें जड़ों का बहुत ध्यान रखना पड़ता है कि जड़ जो है वो कटनी नहीं चाहिए, नहीं तो पौधा जो है वो मुरझा जाएगा, ख़त्म हो जाएगा। पौधों से हमें इतना ज़्यादा मतलब फ़ायदा होता है और लोग जो हैं पौधों को ही नष्ट करते जा रहे हैं, जिससे हमारे इंडिया में आज ऐसी हालत हो गई है कि कुछ स्टेट्स तो बिल्कुल पानी का लेवल जो है वो बिल्कुल नीचे गिर चुका है। तो अगर आप चाहते हैं कि ऐसी दिक्कत ना आए, पानी की दिक्कत ना आए, तो जितना हो सके पेड़ों को लगाएँ और पेड़ों को कटने से रोकें। तो अभी हम लोगों ने थोड़े थोड़े प्लांट्स जो हैं वो लगा दिए हैं और अभी कुछ जो हैं दो तीन बाकी हैं, बाकी हम लोगों ने उसको पॉट में अरेंज कर दिया है, क्योंकि कुछ पॉट जो हैं वो अभी लाने हैं और कुछ हमने जो ले आए थे तो वो हमने वो लगा दिए। तो मैं आपको ये थोड़ा सा बताना चाहूँगी, वैसे मेरे को इतनी ज़्यादा नॉलेज नहीं है प्लांट्स के बारे में, लेकिन मैंने जितनी नॉलेज जो है वो नेट से गैदर की है तो वो मैं आप लोग के साथ शेयर करना चाहती हूँ। तो बेसिकली जो मैंने ये प्लांट लगाया हुआ है ये काफ़ी ग्रीनरी घर में दे रहा है, मुझे बहुत पसंद आया। थोड़ा सा कॉस्टली है, इसकी कॉस्ट जो है वो हाई है, बिकॉज ये जो है वो बिग प्लांट लिया है हमने, मतलब सीधे बड़ा ही हम लोग लेके आए हैं और दो थोड़े से छोटे छोटे लेके आए हैं, तो वो थोड़े से सही दाम में पड़ गए हमें। तो आपको ये ध्यान में रखना है, अगर आप ये अरेका जो है घर में रख रहे हैं, अंदर रख रहे हैं, काफ़ी चीज़ें ये हमें देते हैं, जैसे कि हमें जो है ये एयर जो है हमारी जो है वो प्यूरीफाई करते हैं, जैसे कि एयर में बेसिकली ये दो चीज़ें दूर करते हैं, जैसे कि फॉर्मल्डिहाइड हो गया और बेंजीन हो गया, ये हमारी इम्यून सिस्टम को वीक करते हैं ये केमिकल्स जो होते हैं,
और ब्लड रिलेटेड प्रॉब्लम्स भी इससे हो सकती हैं। अगर हम ये पौधा रखेंगे तो ये इस इन चीज़ों को दूर कर देता है। ऐसा कोई ज़रूरी नहीं है कि सभी को ये चीज़ें होंगी, ऐसा नहीं है। मैं आपको बस एक आइडिया दे रही हूँ कि हमें ये पौधा घर में अगर हम रखते हैं तो क्या फ़ायदा हो सकता है, तो बस मैं ये आइडिया आपको देना चाह रही थी। और अधिका अगर हम घर के अंदर लगाते हैं तो इसमें ज़्यादा हमें पानी देने की आवश्यकता नहीं है, बस हम इतना पानी देना है कि मिट्टी जो है वो मॉइस्ट रहनी चाहिए। अगर आप 3 दिन में एक बार वाटर दे रहे हैं तो कोई दिक्कत नहीं है, आराम से पौधा चलेगा। बस आपको ध्यान में रखना है कि जैसे ये पौधा है, इसकी जो अगर टिप जो है अगर ब्राउन हो रही है, जैसे ये इसकी ब्राउन हो रही है, तो इससे ये पता चलता है कि इसमें जो है पानी की थोड़ी सी कमी लग रही है, तो पानी इसको भरपूर मात्रा में नहीं मिल रहा है, पानी हमको देना है। और अगर जो है ये पूरा मतलब पत्ती जो है इसकी पूरी पीली हो रही है, तो इससे ये लग रहा है कि शायद इनको जो है ज़्यादा मतलब सन की रेज जो है वो इसके डायरेक्ट ऊपर पड़ रही है, इसलिए ये पौधा जो है वो मुरझाता जा रहा है। तो बस इन चीज़ों का ध्यान रखना है, बाकी आपका पौधा जो है वो बहुत अच्छा चलेगा। और बस मिट्टी जो है आपकी मॉइस्ट रहनी चाहिए, मॉइस्ट मतलब अगर आप छुएंगे तो थोड़ी सी आपकी उंगली में चिपक जानी चाहिए मिट्टी, इतनी बस मॉइस्ट रहनी चाहिए, सूखनी नहीं चाहिए मिट्टी, और डेली पानी देने की आवश्यकता नहीं है। नेक्स्ट प्लांट जो है वो हम लोगों ने लिया है रबर प्लांट। रबर प्लांट भी मुझे बहुत पसंद है। रबर प्लांट में आप उसको इंडोर लगा सकते हैं, वैसे कुछ लोग आउटडोर पे भी लगाते हैं, हमने इंडोर में लगाया है। और उससे भी बेसिकली जो फॉर्मेल्डिहाइड होता है वो दूर करता है, एयर को प्यूरीफाई करता है। अगर मैं सारे पौधों के बारे में आपको बताने लगी तो बहुत ज़्यादा क्या कहते हैं टाइम ज़्यादा लग जाएगा उस चीज़ को बताने में, लेकिन मैं आपको बस फटाफट सारी इन्फॉर्मेशन दे देती हूँ। जैसे कि हमने रबर प्लांट लगाया है, तो रबर प्लांट में भी वही चीज़ है कि ज़्यादा पानी देने की आवश्यकता नहीं है, बस उसको 3-4 दिन में हमें एक बार स्प्रे कर देना है पानी उसके ऊपर, और उसकी मिट्टी भी मॉइस्ट रहनी चाहिए, ये हमेशा हमें ध्यान में रखना है। तो जो इंडोर प्लांट्स हैं वो इसी तरीके से चलते हैं, हल्की सी मिड लाइट उन पर पड़नी चाहिए, ज़्यादा सन रेज उसके ऊपर डायरेक्ट नहीं पड़नी चाहिए, नहीं तो वो जलने लगता है पौधा। उसको आपको ऐसे एरिया में रखना है वहाँ पे थोड़ी मतलब लाइट भी आए और अंधेरा भी ज़्यादा ना हो, ठीक है। और भी है हमारे पास, जैसे मनी प्लांट हो गया, वो हम घर के अंदर रख सकते हैं। पर थोड़ा सा व्यू दिखा देती हूँ, बाकी मैं आपको दिखाऊंगी कि अलग से मैं एक वीडियो बनाऊंगी, क्योंकि ये वीडियो बहुत ज़्यादा लंबा हो जाएगा, फिर मैं इसकी एक अलग से वीडियो बना के आपको दिखाऊंगी कि हमने किस तरीके से प्लांट जो है वो लगाए हैं और कौन कौन से हमने चूज़ किए। तो चलिए देख लेते हैं पहले। तो ये जो प्लांट्स है ये तो घर के एयर पॉल्यूशन के लिए है, घर में जैसे एयर पॉल्यूशन होता है तो उससे हम बचाव कर सकते हैं और कुछ बीमारियों से हम बच सकते हैं और अपने बच्चों को बचा सकते हैं। दूसरी चीज़, आपने अगर कावेरी कॉलिंग के बारे में नहीं जाना है तो आप उसको सर्च करके एक बार उसकी डिटेल लीजिए। इंडिया में सारी जो नदियाँ हैं वो सूखती चली जा रही हैं, जिससे हमें आने वाले टाइम में बहुत परेशानी हो जाएगी कि अगले 20 सालों में हमारे पास शायद भोजन भी नहीं होगा, मतलब खाना खाने के लिए कुछ नहीं होगा। जब पानी नहीं होगा तो फसलें नहीं होंगी तो खाना नहीं होगा। तो इसलिए आपने अगर देखा होगा तो सदगुरु जो हैं वो इसके लिए आगे बढ़ रहे हैं, और प्लीज़ आप लोग भी पेड़ लगाएं, पेड़ बचाएं। बस एक ही तरीका है, अगर हमें पानी को बचाना है, हम चाहते हैं आगे प्रॉब्लम ना आए, तो बस हम जितना हो सकता है पेड़ों को लगाएं। पेड़ों के सहायता से जो है जितना बारिश का पानी आएगा वो रुकेगा और नदियों में बढ़ता चले जाएगा। तो बस यहीं तक की थी मेरी वीडियो, और मेरे प्लांट्स कुछ इस तरीके से लगाए हुए हैं। अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आए हो तो प्लीज़ मेरी वीडियो को लाइक ज़रूर देना, और अगर आप मेरे चैनल पर आज पहली बार मेरी वीडियो देख रहे हैं तो सब्सक्राइब ज़रूर करें। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय।